आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के केस बढ़ने से सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। सीएम आज कोरोना की समीक्षा बैठक लेंगे। संक्रमित मरीज बढ़ने पर एक बार फिर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में एक दिन में कोरोना के 7 मरीज मिलने पर भी चिंता जताई है। सीएम ने ट्वीट कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की। आपको बता दें, लोग एक बार फिर लापरवाही बरतने लगे हैं और ऐसे में लोगों से सीएम ने सावधानी बरतने की अपील की है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया और जनता से अपील की है प्रदेश की कि सावधानी बरती जाए, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के अब संकेत मिलने लगे हैं। केरल में कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल आया है। यहां 3 दिन से रोजाना 22,000 से ज्यादा केस मिल रहे हैं। राज्य में आर वैल्यू भी चिंता का सबब बनी हुई है। यहाँ आर वैल्यू लगातार 1.11 के करीब बनी हुई है, जिसके चलते केंद्र ने यहां उच्च स्तरीय टीम भेजी है। टीम केरल के कुछ कोरोना प्रभावित जिलों का दौरा करेगी और वहां बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी देगी। इसके अलावा टीम अपनी पूरी रिपोर्ट राज्य और केंद्र सरकार दोनों के साथ साझा करेगी। वहीं महाराष्ट्र के सोलापुर में भी कोरोना विस्फोट हुआ है। यहां एक साथ 600 छात्र संक्रमित मिले हैं। इधर कर्नाटक में एक दिन में 1531 नए केस सामने आए।